हेलो एवरीवन, आई एम दीपक मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सिविल डिपार्टमेंट ऑफ जयपुर इंजीनियरिंग कॉलेज कुकस। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट बैटन डिज़ाइन न्यूमेरिकल। लास्ट लेक्चर में अपने बैटन डिज़ाइन स्टेप्स को देखा था। नाउ इस वीडियो में अपन बैटन डिज़ाइन का न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल है, डिज़ाइन अ बिल्टअप कॉलम ऑफ इफेक्टिव लेंथ 10 mm टू कैरी एन एक्सियल फैक्टर कंप्रेसिव लोड ऑफ 750 kN। यूज टू चैनल सेक्शन बैक टू बैक एंड ऑल्सो डिजाइन ए सूटेबल बैटनिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बिल्टअप कॉलम अपन को डिज़ाइन करना है। ठीक है, उसकी जो इफेक्टिव लेंथ गिवन है वो 10 मीटर है, फैक्टर लोड जो गिवन है वो 750 kN है। चैनल सेक्शन अपन को यूज़ करना है यहाँ पर बैक टू बैक। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, स्टील टेबल से अपन को सूटेबल चैनल सेक्शन अज्यूम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने ISMC 300 चैनल सेक्शन स्टील टेबल से अज्यूम किया हुआ है। उसके कुछ डाटाज है वो यहाँ पर गिवन है, क्रॉस एरिया गिवन है, IXS गिवन है, IYY गिवन है, CYY, विड्थ ऑफ फ्लेंज, थिकनेस ऑफ फ्लेंज, गेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट XX एंड YY, ऑल आर गिवन हियर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे बैटनिंग को तो उससे पहले अपन कॉलम डिज़ाइन करेंगे, सिंपल कॉलम जो होता है वो डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चैनल सेक्शन गिवन है उसका डायग्राम अपन बना लेंगे। दो चैनल सेक्शन बैक टू बैक गिवन है, इसमें इसके जो चैनल सेक्शन के सेंट्रोइड्स होंगे वो दो सेंट्रोइड होंगे। ठीक है, अबाउट XX एंड YY। ठीक है, तो इंटायर क्रॉस सेक्शन का जो सेंट्रोइड होगा वो मिड में हुआ, और जो चैनल सेक्शन के सेंट्रोइड होंगे वो चैनल सेक्शन के अबाव हो गए। ठीक है, तो IXX एंड IYY के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर CYY गिवन है 23.6, ये वन साइड गिवन है, सेंट्रोइड होगा वो दोनों साइड यहाँ पर फिक्स करेंगे अपन। ठीक है, उसके लिए कुछ कंडीशन गिवन है, सिंस लोड एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द चैनल आर गिवन, कीप द टू चैनल सच दैट IXX एंड IYY इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी विल मैक्सिमम। सेकेंड, सिंस बैटन आर यूज देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज इंक्रीज बाई 10% बिकॉज टू टेक केयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल शियर फोर्स डेवलप इन द कॉलम। ठीक है, तो अपने यहाँ पर चैनल सेक्शन प्रोवाइड करा रखा है, उसकी स्पेसिंग यहाँ पर गिवन है X। ठीक है, वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग डायग्राम में सो है। ठीक है, सबसे पहले अपन उसका जो स्लेंडरनेस रेशियो होगा बिल्टअप कॉलम का वो फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है KL अपन R मिनिमम। यहाँ पर जो अपन R मिनिमम अज्यूम करेंगे वो IXX और IYY के रेस्पेक्ट में अज्यूम करेंगे। ठीक है, तो जो RYY ऑफ सिंगल चैनल इज 26.18 mm, बट वेन इट इज़ यूज बिल्टअप कॉलम देन IYY0 इज इंक्रीज टू IYY इज इक्वल टू IXX, जो कि यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्सिया गिवन है। ठीक है, तो अपन जो मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन यूज़ करेंगे यहाँ पर वो XX के रेस्पेक्ट में अज्यूम करेंगे, और वो हो जाएगी 118.1 रेडियस ऑफ जायरेशन। यहाँ से अपन लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वैल्यू आ रही है 93.14। ठीक है, तो इसके बाद अपन लेमडा जब अपन को मिल जाएगा तो उसके लिए अपन FCD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। FCD की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन को टेबल नंबर 9 पर ये स्कोर यूज़ करना पड़ेगा, टेबल नंबर 9, वहाँ से अपन को लेमडा और FI के रेस्पेक्ट में इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज करके अपन को FCD की वैल्यू फाइंड आउट करने की। बट यहाँ पर क्वेश्चन में KL अपन R का रेशियो गिवन है और उसके रेस्पेक्ट में FCD की वैल्यू गिवन है, तो अपना जो KL अपन R का रेशियो आ रहा था वो 93 point something आ रहा था, तो उसके रेस्पेक्ट अपन FCD की वैल्यू इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करके अपन फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ किया है, FCD इक्वल टू 90 minus 93.14 minus 90 divided by 10, 10 यहाँ पर डिफरेंस है, इंटू 90 माइनस प्रीवियस FCD है जो कि 80 की वन है। ठीक है, तो उसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है FCD की वो 86.56 आ रही है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद अपन फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है FCD इंटू AG। AG यहाँ पर ग्रोस एरिया है जो सेक्शन चैनल सेक्शन में गिवन है। ठीक है, टू चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं इसलिए जो ग्रोस एरिया हो जाएगा 2 into 4 = 5, 6 हो जाएगा, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो जो वैल्यू आ रही है फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी की उससे 192 किलोन्यूटन आ रही है, जो कि 750 से ग्रेटर देन है। इससे मतलब जो अपने अरेंजमेंट किया है हो वो सेफ है। ठीक है, नाउ अपन डिजाइन करेंगे बैटन सिस्टम। बैटन सिस्टम डिजाइन करने से पहले अपन उसकी स्पेसिंग चेक करेंगे, स्पेसिंग ऑफ चैनल्स। स्पेसिंग ऑफ चैनल्स
डिज़ाइन करने के लिए अपन आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई को अपन इक्वल करेंगे, ठीक है। आई एक्स एक्स जो यहाँ पे स्पेसिंग है एक्स, वो दो चैनल के मिड के डिस्टेंस है, ठीक है। तो उसके लिए अपन आई एक्स एक्स एंड आई वाई गिवन उसको इक्वल करेंगे। आई एक्स एक्स एंड आई वाई दोनों क्वेश्चन में गिवन है, डबल सेक्शन डबल चैनल सेक्शन आर यूज़ कर रहे हैं अपन, तो उसके लिए टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी वो अपनको मिल जाएगी 185.1 mm सोल्व करने के बाद। उसका जो सेकंड पार्ट होगा वो अपन स्पेसिंग फाइंड आउट करेंगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग देखेंगे। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी यहाँ पे एस, इसका फॉर्मूला होगा एस प्लस टू जी। जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग होगी चैनल की कॉलम की, वो जो अपन बैटन यूज कर रहे हैं उसके पास्टनर मतलब रिवेट और बोल्ट के सेंटर से अपोजिट साइड जो अपने रिवेट या बोल्ट यूज कर रखा है उसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो हो जाएगी एक्स प्लस टू इंटू गेज डिस्टेंस। गेज डिस्टेंस यहाँ पर 50 गिवन है, तो उससे हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग अपन को मिल जाएगी 285 mm। इस तरह से यहाँ पे देखेंगे अपन, ये जो बोल्ट यूज किया हुआ है ऊपर वाली डायग्राम में, उसका सेंटर टू सेंटर जो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग है वो एस होती है। उसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स प्लस टू इंटू गेज डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से अपन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ सेकंड वर्टिकल स्पेसिंग। वर्टिकल स्पेसिंग होती है दो बैटन के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस, फास्टनेस के सेंटर टू सेंटर से वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको अपन सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए अपन पेज नंबर 51 पे कोड में गिवन कुछ क्लोज गिवन है। इट इज़ फाउंड फ्रॉम बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स बिटवीन द बैटन कंसिडर्ड टू प्रिवेंट बकलिंग। बकलिंग को प्रिवेंट करने के लिए अपन को स्पेसिंग फाइंड आउट करना जरूरी होता है। उसका फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है सी अपॉन आर मिनिमम। जो आर मिनिमम होगा वो कंप्रेशन मेंबर का होगा, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 7 इंटू लेमडा। लेमडा जो यहाँ पर होगा 0.7 के साथ, वो बिल्टअप कॉलम का लेमडा लेंगे अपन, ठीक है। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ रही है अपनी, दो वैल्यू आ रही है, इनमें से जो लेस वैल्यू होगी वो अपन कंसिडर करेंगे। नाउ प्रोवाइड सी इजिकल टू 250 mm, ठीक है, लगभग 1300 mm भी अपन अज्यूम कर सकते हैं। नाउ डायमेंशन ऑफ द बैटन। डायमेंशन के लिए अपन सबसे पहले उसके थिकनेस निकालेंगे। थिकनेस का जो फॉर्मूला है वो पेज नंबर 51 पे गिवन है, स्पेसिंग डिवाइड बाय 50। जो स्पेसिंग निकाला था अपन हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग वो 285 था, 285 डिवाइड बाय 50 इक्वल टू 5.7 mm। तो इसको अपने 8 mm अपन इसको कंसिडर कर लेंगे जो थिकनेस आ रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर S1 निकालिए। अल्फा जो होता है वो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस होती है वो सेंट्रोइड से, जो सेंट्रोइड से सेंट्रोइड तक की डिस्टेंस होती है वो अल्फा होता है। उसकी वैल्यू जो होती है एक्स प्लस एक्स यहाँ पे स्पेसिंग है चैनल्स की प्लस टू इंटू CYY। CYY जो सेंट्रोइड से डिस्टेंस होती है एज से पर चैनल सेक्शन के, तो दो चैनल सेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो 185 प्लस 2 इंटू 23.6 यहाँ पर गिवन थी, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 232.2 mm। नाउ नेक्स्ट होगा जो इसकी वर्टिकल इंटरमीडिएट डिस्टेंस होगी, डेप्थ होगी, वो अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसका डायरेक्ट फॉर्मूला कोड में गिवन है, डे इंटरमीडिएट हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 3/4 इंटू अल्फा। अल्फा जो होगा, अल्फा की वैल्यू अपन यहाँ से कंसिडर कर चुके हैं, अल्फा इज इक्वल टू एक्स प्लस टू CYY, उसकी वैल्यू आ रही है 32.2 mm, ठीक है। तो 3/4 इंटू 232.2 इजिकल टू 174 mm इसकी वैल्यू आ चुकी है। और सेकंड होता है 2 इंटू बी। बी जो होता है वो कॉलम की विड्थ होती है, ठीक है, विड्थ ऑफ लाइन, जो अपन स्टील टेबल से डाइट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जाएगी 2 इंटू 90 इजिकल 180। यहाँ से जो ग्रेटर वैल्यू होगी अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंटरमीडिएट, अगर अपन नंबर ऑफ थ्री बैटन आर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो इंटरमीडिएट बैटन होगी उसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी अपन को पता होना चाहिए। उसमें जो बोल्ट्स यूज कर रहे हैं, रिवेट्स यूज कर रहे हैं, उनके सेंटर टू सेंटर डेप्थ, तो उसका फॉर्मूला होता है यहाँ पर ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन इज इक्वल टू डी डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट प्लस 2 इंटू एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस अपन कनेक्शन से निकालेंगे। कनेक्शन में जब अपन फाई अगर अपने पास गिवन होता है तो उसके 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर फाई अपन ने 20 mm कंसिडर किया है तो ग्रोस डायमीटर हो जाएगा उसका 22 mm। तो डी इंटरमीडिएट हो जाएगा 180 प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 22 टू 246 mm इसकी इंटरमीडिएट ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी। उसके बाद डायरेक्ट अपन फोर्स पे चलते हैं। फोर्स इन बैटन निकालेंगे। पहले ट्रांसवर्स शियर फोर्स निकालते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल शियर फोर्स निकालते हैं,
ठीक है। तो जो ट्रांसवर्स ईयर फोर्स होता है बटन में वो 2.5% होता है कॉलम लोड का। यहाँ पर कॉलम लोड 750 गिवन है, तो उसका 2.5% हो जाएगा 18.75 किलो न्यूटन, ठीक है। उसका सेकेंड ड्यू टू सीयर लॉन्गिट्यूडनल सीयर फोर्स होगा, जिसका फॉर्मूला डायरेक्ट पेज नंबर 51 पे गिवन है इस कोड में, VC/NS। वी यहाँ पर ट्रांसवर्स ईयर फोर्स है, सी स्पेसिंग है, एन जो होगा नंबर ऑफ पैरेलल प्लेन्स प्लेट्स है जो अपन दो यूज करते हैं चैनल सेक्शन के लिए, एस स्पेसिंग है यहाँ पर। उसको सोल्व करेंगे तो 41.12 किलो न्यूटन इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। नाउ अपन उसमें कनेक्शन डिटेल कनेक्शन डिजाइन करेंगे। कनेक्शन डिजाइन करने के लिए अपन सबसे पहले रिवेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। रिवेट वैल्यू निकालने के लिए जैसे सीयरिंग और बेयरिंग अपन फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सिंगल सीयरिंग यहाँ पे गिवन है, तो 5/4 डी स्क्वायर इंटू परमिसिबल सीयर स्ट्रेस। परमिसिबल सीयर स्ट्रेस का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 400 इंटू √3 इंटू 1.25 इज द पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, एंड डी इज द डायमीटर ऑफ बोल्ट, क्योंकि 20 mm अपन कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो उसकी वैल्यू आ रही है 58.04। एंड बेयरिंग स्ट्रेस निकालेंगे तो डी इंटू टू इंटू परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस जो कि 128 किलो न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से जो लीस्ट वैल्यू होती है अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिस्ट वैल्यू 58.04 किलो न्यूटन हो जाएगी जो सीयरिंग की आ रही है। अपन बोल्ट वैल्यू कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ बोल्ट्स निकालेंगे अपन, एफ अपन आर वी, फोर्स होता है फोर्स अपन रिवेट वैल्यू। फोर्स यहाँ पर 41.12 किलो न्यूटन आया है और रिवेट वैल्यू हो जाएगी 58.04 किलो न्यूटन। यहाँ से वन बोल्ट अपन कंसीडर, मतलब जितने भी बैटन लगाएंगे उसमें अपन एक बोल्ट लगाएंगे कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब अपन डायग्राम में बोल्ट प्लस बैटन डिजाइन कर देंगे तो वहाँ पे एक इसेंट्रिसिटी कनेक्शन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी कनेक्शन को अपन चेक करने के लिए अपन जब कनेक्शन डिजाइन किया था उस टाइम अपन इसेंट्रिसिटी कनेक्शन से दो फोर्स डेवलप होते हैं, एक सीयरिंग के लिए होता है, डायरेक्ट सीयर के लिए होता है, और दूसरा मोमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले अपन उसकी मिनिमम एज डिस्टेंस पिच प्रोवाइड कराएंगे, वो सब IS कोड्स के अकॉर्डिंग अपन कंसिडर कर लेंगे। तो मिनिमम एज डिस्टेंस हो जाएगा 1.5 इंटू डी, डी जो यहाँ पे था वो 22 mm था, तो यहाँ से 35 उसकी मिनिमम एज हो जाएगी। मिनिमम पिच 2.5 इंटू नॉमिनल डायमीटर तो 50 mm हो जाएगी, ठीक है। तो एज डिस्टेंस और पिच यहाँ पे अपन प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद उसमें कुछ फोर्स की वैल्यू है F1 और F2, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है P/N। तो पी जो यहाँ पर लोड हो जाएगा, एन यहाँ पर नंबर ऑफ बोल्ट्स हो जाएंगे जो अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ से रिजल्टेंट निकालेंगे, जो रिजल्टेंट होता है वो रिवेट वैल्यू से कम होना चाहिए, अगर ज़्यादा आ रहा है तो अपन अनसेफ है, इसलिए यहाँ पर अपन ने नंबर ऑफ बोल्ट्स की वैल्यू भी बढ़ा के ली है, ठीक है। ओके, थैंक यू।